मैंने आपको बताया कि कैसे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है और कैसे अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा जो इजी 5 वेज मैंने आपको बताए हैं इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का। आप उसको अप्लाई ज़रूर करेंगे, कुछ लोग करते होंगे और जो नहीं अप्लाई करते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं इसको, वे लोग सीरियसली लेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रही हूँ, प्रिवेंशन ड्यूरिंग द कोरोना। ये बच्चों के लिए टॉपिक है, जो बच्चे बार बार बहुत लंबे टाइम से ये सब करते आ रहे हैं, बट क्या करते हैं, बीच बीच में हम लोग थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं और हम लोग अवॉइड करने लगते हैं ये सब चीज़ें। तो हमें क्या करना है, कैसे बचाव अपने ड्यूरिंग द कोरोना हमको कैसे रखना है। सबसे पहले है वेयर क्लोथ मास्क प्रॉपरली। सबसे पहले क्या है, कपड़े के मास्क को हमको सही से पहनना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, बहुत सारे इवन बड़े लोगों को भी देखा, मास्क तो पहना है पर प्रॉपरली तरीके से नहीं पहनते हैं। क्या करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मास्क है, ये मास्क मैंने पहना ऐसे, ठीक है, ये है सही तरीका मास्क पहनने का। हमारा माउथ भी क्लोज होना चाहिए, नोज़ भी क्लोज होना चाहिए और प्रॉपर ढका होना चाहिए, ना डिज़ीज़ अंदर जाए और ना हमारे मुंह से इन्फेक्शन बाहर आए, ठीक है, ये तरीका होता है। अधिकतर लोग और बच्चे क्या करते हैं, ये नाक खुली रह जाती है या पूरा ही नीचे, बातें करते समय इसको नीचे करा हुआ है, मास्क तो पहना है बट नीचे करके बात कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ कि आपने ऐसे मास्क पहना है। दूसरी चीज़, जब हम मास्क पहन लेते हैं ऐसे, तो हमें क्या करना है, मास्क को ऐसे नहीं हटाना, यहाँ से ऐसे नहीं, ऐसे नहीं उठाना है मास्क को, हमें मास्क ऐसे करके यहाँ से हटाना चाहिए, ऐसे, और ऐसे पकड़ के इसको धोने के लिए डाल देना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या है, क्लोथ कपड़े का मास्क पहनना है और उसको प्रॉपर तरीके से पहनना है, ये नहीं कि हम ऊपर नीचे पहन रहे हैं और उसका कोई मतलब ही नहीं है। और मास्क उतारते समय हमें अपने ये कानों से निकालना है मास्क, ऐसे और ऐसे पकड़ना है, बीच में यहाँ पे मास्क नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि सारे जो भी डिजीज़ होगी आई होगी तो यहाँ पे होगी और मुँह से निकली होगी तो यहाँ होगी, तो हमें उसको यूँ पकड़ के धोने डाल देना है। ये तो पहला था कि हम मास्क को कैसे प्रॉपरली पहनेंगे। दूसरा है वॉश योर हैंड प्रॉपरली। ये तो अपनी डेली रूटीन में, कोरोना आए या कोरोना चला जाए, इसको हमने अपने डेली रूटीन में ले लेना है कि कहीं जा रहे हैं और पहुंच रहे हैं वहाँ भी हैंड वॉश करना है और घर पहुँचते भी हैंड वॉश करना है। अब हैंड वॉश करने के भी तरीके हैं कि कैसे हैंड वॉश करना है, ठीक है, बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब में और भी मिल जाएंगी, बट मैं आपको अपने बच्चों के लिए ये वीडियो बता रही हूँ कि कैसे हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश आप ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार से आप लिक्विड ही लाएँ, आप अपने घर में जो भी साबुन यूज़ कर रहे हैं उसको भी प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाथ में साबुन लगा के अच्छे से उंगलियों के बीच में, आगे पीछे, और ये जो नेल्स का ये होता है, इन सब में भी अपने हैंड्स को अच्छे से क्या करना है, रगड़ना है। आगे समझ में क्या करना है, बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में खाना खाने की देरी हो रही है तो जल्दी ऐसे करके हाथ धो के चले जाते हैं, ये नहीं, अपने हैंड को जो भी साबुन आप यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, उसको अच्छे से रगड़ना है, ऐसे उंगलियों के बीच में भी रगड़ना है, हाथ को पीछे से भी रगड़ना है, आगे से भी रगड़ना है अच्छे से, और ये जो हमारी वो होते हैं ना नाखून, नेल्स के और इसके टोज जो होते हैं, उनको भी अच्छे से रगड़ना है और फिर हैंड वॉश करना है। ये प्रॉपर तरीका है हैंड वॉश करने का। आगे आपको समझ में, अब जो तीसरा है वो है व्हेन कफ एंड स्नीज कवर योर माउथ। जब भी आपको छींक आए या क्या हो, सर्दी जुकाम हो रही हो, आपको छींक आ रही हो, तो क्या करना है, अपने मुंह को कवर करना है। अगर आप घर के अंदर भी हैं तो भी आपको ये तो एक डेली रूटीन एडिकेट्स में भी आता है, ज़रूरी नहीं कि कोरोना हो रहा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, वैसे भी जब भी आपको सर्दी जुकाम हो अपने मुंह को हमेशा कवर करके रखें, छींक आ रही हो तो मुंह को हमेशा ढकें, ठीक है। जैसे कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, फैलने वाली डिजीज़, जिससे कि ये औरों तक नहीं फैलेगी, ठीक है। अगला है डू नॉट विजिट नर्सिंग होम इफ़ नॉट रिक्वायर्ड। नर्सिंग होम दैट मीन्स कोई भी हॉस्पिटल से रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी वैसे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नॉर्मल हैं, घर में ठीक हो सकते हैं, तो हॉस्पिटलों को हॉस्पिटल जाने से बचें, क्योंकि अधिकतर ये बीमारियाँ हॉस्पिटल जाके ही हमें आ रही हैं,
ठीक है। तीसरा है मेक सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे भी बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करके रखनी है ना, तो इसको क्या करें, अवॉइड ना करें। ये ना सोचें कि अभी हमारे मोहल्ले में कोरोना नहीं हुआ है या हमारे आसपास कोरोना नहीं हुआ है तो हम सुरक्षित है। कोरोना कहीं से भी आ सकता है, अगर हम खुद को बचाव करके रखेंगे तो सामने वाले को कोरोना है भी तो इससे कोई हमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर हमने अपनी सेफ्टी रखी है तो। अगर सामने वाले को कोरोना है और मैंने भी सेफ्टी नहीं रखी है तो फिर वो डिज़ीज़ मुझे भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ कि अपने को कैसे बचाना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, हम दूर रहेंगे, दूर दूर रह के बात करेंगे, दूर दूर बैठेंगे तो हम इसकी चपेट में नहीं आएंगे। तीसरा है स्टे होम व्हेन सिक, जैसे ही आपको महसूस हो कि हम सही महसूस नहीं कर रहे हैं, शरीर हमारा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम कुछ भी आपको लगे तो घर में रहें, घर से बाहर ना जाएं। अगला है सैनिटाइज योर हैंड प्रॉपरली। अधिकतर लोग मैंने सैनिटाइज करते हुए, छोटे बच्चों के लिए ही अधिकतर वो लोग भी क्या कर रहे हैं, सैनिटाइज लेते हैं, आधे से ज़्यादा बर्बाद करते हैं और ऐसे ऐसे करके बस कर लिया सैनिटाइज। नहीं, सैनिटाइज़र लगाने का भी तरीका है, उसको हाथ में लो अच्छे से, उंगलियों के बीच में कहाँ पे कीटाणु यहीं तो होते हैं, ऐसी जगहों में जहाँ पे चिपकने छिपने वाली जगह होती है उसमें अच्छे से सैनिटाइज करो आगे पीछे और पूरे अच्छे से, तब जाके कोई चीज़ खाओ या किसी चीज़ को टच करो। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप 5-6 महीने से सुनते हुए आ रहे हो, बट मैंने आज वीडियो के थ्रू भी आपको बता दिया है। आशा है कि आपको ये जो वीडियो में आज जो मैंने बताया है वो अच्छे से समझ में आएगा और आप इसको और पूरे लाइफ लॉन्ग फॉलो करेंगे। थैंक यू।